नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की टॉप 10 की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। अग्निवीरों को नौकरी देंगे आनंद महिंद्रा। बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। महुआ मोइत्रा ने विजय वर्गीय को बताया अग्निपथ का विलेन। राजधानी में कई रास्ते बंद। देश में 12,781 नए कोविड संक्रमित मिले। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बड़े पर्दे पर बुरी तरह पीटी शिल्पा की निकम्मा। सोने और चांदी का भाव बढ़ा। अफगानिस्तान में 20 सिख परिवार ही बचे। गृह मंत्री शाह बोले, साइबर सुरक्षा बन सकती है चुनौती। ये थी आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई योजना अग्निपथ को लेकर जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं अब सेना और सरकार से लेकर उद्योगपति इसके फायदे गिनाने लगे हैं। इसी क्रम में महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर अग्निपथ योजना की खूबियां गिनवाने के साथ अपनी कंपनी में अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बातें कहने को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। नुपुर शर्मा के कथित बयान को लेकर देश भर में बवाल मचा था। अग्निपथ योजना से तैयार होने वाले अग्निवीरों को गार्ड की नौकरी देने के भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने निशाना साधा है। मोइत्रा ने ट्वीट कर विजय वर्गीय को अग्निपथ का विलेन करार दिया। दिल्ली में राहुल गांधी की पेशी और देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को लेकर जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है। ट्रैफिक पुलिस लोगों को लगातार अपडेट कर सतर्क रहने को कह रही है। देश में बीते 24 घंटे में 12,781 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस दौरान सक्रिय केस में 4,226 की बढ़ोतरी हुई और यह 76,700 हो गए। दैनिक संक्रमण दर 4.32% दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी पाई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। अभिमन्यु दसानी और शली सेतिया स्टारर फिल्म निकम्मा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल करती नहीं दिख रही है। शिल्पा शेट्टी की फिल्म से कमबैक करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम होती दिख रही है। एमसीएक्स पर सोमवार को सोने की कीमत में 0.20% की बढ़ोतरी हुई और उसका भाव बढ़कर 50,935 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही चांदी की कीमत 0.28% की तेजी के बाद 61,106 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। गुरुवार पर हमले से सदमे में आए सिख समुदाय के नेताओं ने बताया कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में अब सिर्फ 20 सिख परिवार बचे हैं। इनके सभी सदस्यों को मिलाकर पूरे देश में महज 140 से 150 सिख ही बाकी हैं। साइबर व राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साइबर सुरक्षा पर जोर दिया। शाह ने कहा, आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तकनीकी का इस्तेमाल निचले स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन आज के युग में भारत का विकास बिना साइबर सुरक्षा के नहीं किया जा सकता। भारत के निर्माण के लिए साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।